हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का डी इंग्लिश एकेडमी में। और आज की क्लास में अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान के सही विकल्प, जो प्रश्न आते हैं आपके उसको। इस क्लास में 30 हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सही विकल्प को करेंगे। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका जो है आपका फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है ना, बी वाला। चलिए सेकंड है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था आपका 1914 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुंबई में प्रथम, ये ना है प्रथम हो जाएगा ना, प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, तो प्रथम कपड़ा मिल जो स्थापित हुआ था आपका 1854 में। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, तो देखिए कब प्रारंभ हुई है, 1973 में, इसका राइट आंसर है आपका। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो कौन है वो आपका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट, सीमेंट आपका राइट आंसर। संस्थापक थे तो कौन थे यहाँ पर, भाई काशीराम। ठीक है, काशीराम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 20%। अगला, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, देखिए ध्यान से पढ़े, रबी की फसल है, नहीं नहीं पूछा है, तो कौन से, देखिए चना है हमारा। चल, स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है, तो 90 का जो राइट आंसर है आपका कितने प्रारंभ की गई है, तो देख लीजिए इसमें 6 लेन वाली, कितने लेन वाली, 6 लेन वाली सड़क प्रारंभ की गई है। अगला है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी, तो भाई जीवन यात्रा कब शुरू की थी उन्होंने, 1947 में, तो इसका बी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, अगला देखिए, सॉरी 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए, ये आपका 11वां है। 1890 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, तो रेंडर पेस्ट नामक जो बीमारी है आपकी किस देश में फैली हुई, इसमें आपके ऑप्शन है, पहला है आपका न्यूजीलैंड, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा आपका इंग्लैंड, और द वाला है आपका जर्मन। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका अफ्रीका। ठीक है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी किस देश में फैली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955 में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो सभी को पता होगा 3/4 जो भाग है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। चलिए 15 प्रश्न देखिए, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, यहाँ पर कृत्रिम पतन पूछा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है चेन्नई। ठीक है ना, चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। चलिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है, जो भाई हमारा जो राष्ट्रवाद है उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला जो कौन है, तो इसका है फ्रेडरिक सरयू, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सरयू, बावला राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो हमें बताना है गांधी जी ने कब की थी, 1916 में, कब की थी आपकी, 1916 में। 18 प्रश्न है, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, तो देखिए लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र, ये उपयुक्त सभी, तो इसमें आएगा आपका उपयुक्त सभी, सब प्रकार की सरकार है, तानाशाही भी, लोकतंत्र भी, राजतंत्र भी, सभी प्रकार की सरकार इसमें विद्यमान है। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग, ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो होता है आपका राइट आंसर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल आपका इलेक्ट्रॉनिक। सीमांत सड़क संगठन कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1960 में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सवाल 1960 में पारित किया गया था। चल यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चल 21वां प्रश्न देखिए आप, 21वां प्रश्न हमारा, किस स्थान पर, क्या यहाँ पर, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था, ये पूछा है, प्रारंभ हुआ नहीं, तो यहाँ पर हुआ था दांडी के बाद, है ना, दांडी के लिए समाप्त कर देता है इसको। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, साम्यवादी, राजतंत्र, लोकतंत्र, अराजकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा रूप बेहतर है, तो लोकतंत्र वाला सरकार का रूप बेहतर है। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या है, देखिए गन्ने से शक्कर बनाना, मकान निर्माण, बैंकिंग या मछली पकड़ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है हमारा, मछली पालन है ना, मछली पकड़ना। 2400 प्रश्न आपका देख लीजिए, 2400 प्रश्न है आपका, हाँ 2400 प्रश्न है आपका यहाँ पर,
देखिए भविष्य के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, तो कितने प्रतिशत लोग झेलेंगे, 20 करोड़ लोग, मतलब जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, 20% लोग इसको इस कमी का देखेंगे। भूदान आंदोलन को किसने चलाया था, तो भूदान जो आंदोलन है विनोबा भावे ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। 26वां प्रश्न आपका, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो प्रमुखतम जो आयात वस्तु है वो आपका खनिज तेल, क्या जाएगा, खनिज तेल, मशीनरी नहीं, कंप्यूटर नहीं, रसायन नहीं, खनिज तेल। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया था, भाई सिंहली पहले तो समझ लीजिए एक भाषा है, तो उसको जो है श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया था, 1956 में, कब किया गया था, 1956। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी, 2019 में जो महिलाओं की सांसद संख्या थी वो कितनी थी, तो ये थी आपकी 14 से 36%, कितना थी, फीसदी, 14 से 36%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो पढ़ेगा इस तरह भी कहाँ पर है वो आपका केरल में। तो यहाँ पर हमने पूरे 29 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, इसमें आप एक प्रश्न को ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 8%, है ना, तो ये आप लोग राइट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने करें 30 प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व